हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे ब्लैक आई बीन्स एंड मशरूम, स्पाइसी ब्लैक आई बीन्स एंड मशरूम। तो उसके लिए ये हमने ऑनियन लिया है, जिसको हमने चॉप करना है बारीक बारीक। आप लंबा भी कट कर सकते हैं। तो ये हम बारीक बारीक ऑनियन कट करेंगे। फेनल पाउडर लिया है हमने, हाफ स्पून क्रश किया हुआ। ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर हम क्रश कर लेंगे। ये क्लो लिया है हम, अरे सॉरी, सिनेमन स्टिक लिया है, दो या तीन छोटे साइज के टुकड़े आप ले सकते हो। रेड चिली, ड्राई सोल्ट, गरम मसाला, जीरा, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। टमाटो टीन, या आप टमाटो चॉप टमाटो ले सकते हैं या फ्रेश टमाटो भी ले सकते हैं। तो ये हमने मशरूम को भी हमको लंबा लंबा कट कर लेना है और ऑनियन को हम बारीक कट कर लेंगे और फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये हम सब इंग्रेडिएंट्स हमने दिखा दिए हैं, अब हम उसका ग्रेवी बनाएंगे कैसे बनती है। ये हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों मिक्स किया है ऑयल। तो उसके अंदर जैसे थोड़ा ऑयल हो जाता है, हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा, वो जैसे रंग बदले और चटकने लगे तब तक आप थोड़ा सा जीरा अंदर डाल दो। और फिर उसको हम ऑनियन जो हमने क्रश कर किया है, ऑनियन को क्रश करके हम उसमें डालेंगे। जैसे हमने बोला, गार्लिक, जिंजर, चिली, तीनों को आपको क्रश कर लेना है। और ऑनियन को भी हमने ब्लेंडर में क्रश कर लिया है थोड़ा सा। जैसे जीरा हो जाता है ये तज के दो छोटे पीस, और ये रेड ड्राई सूखी हुई मिर्च, दोनों डाल के हम अंदर ऑनियन डाल देंगे क्रश किया हुआ ऑनियन। फिर थोड़ी देर उसको ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोल्ट थोड़ा सा आप डाल दो, फिर थोड़ा ही डालना है, उसके बाद आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि पहले लिटल बिट, यानी कि पहले ऑनियन के पार्ट का ही डालना है, करीबन हाफ स्पून, और उसके बाद दूसरी हाफ स्पून डाल दें और फिर चख लें। अगर कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी गुलाबी हो जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट मिला लेंगे और उसको भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। हमारी थोड़ी हो गई है, हमने जैसे आपको बोला गार्लिक, जिंजर, चिली पेस्ट हमने भी डाल दी है। और उसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ स्पून, और हाफ टेबल स्पून हम फेनल पाउडर डालेंगे। पाउडर डालना है उसका, तो एज अ फ्लेवर हम डालेंगे, तो हाफ स्पून हमने वो डाला है। रेड चिली पाउडर हमने ग्रीन डाली है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और धनिया पाउडर और गरम मसाला हाफ स्पून, और सब डाल के हम अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करके मसाले हमने डाल दिए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला नीचे चिपके नहीं और अच्छी तरह से ऑनियन में मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा अब इसका ऑयल जैसे थोड़ा सा छुपने लगे, तब हम उसमें टमाटर, चॉप टमाटर डाल देंगे। तीखा और जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप स्पाइसी अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा थोड़ा रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली पाउडर डाल सकते हैं, सॉरी ग्रीन क्रश किया हुआ चिली डाल सकते हैं। और अगर थोड़ा सा माइल्ड खाते हैं तो आप उस तरह से बना लें। और थोड़ा सा चॉप टमाटर हम अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से, जैसे हमने ऑयल पूरा अंदर से निकलता है तब तक हम उसको करेंगे। उसके अंदर हम
उसके बाद हम उसमें ब्लैक आई बीन्स डालेंगे और मशरूम जो हमने जैसे कट करके लंबा लंबा कट करके आपको बोला था वो हम डालेंगे। तो ये ग्रेवी बनती है तब आप इसका थोड़ा सा प्रॉपर कुक हो जाए तब आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, क्यों कम ज़्यादा आपको लगे कोई मसाला तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने चॉप्ड टमाटर डाल दिया है, आप प्लम टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ी देर अब इसको 5 मिनट जैसे हमारा ऑयल इसमें से निकलता है और ऑनियन हमारी थोड़ी सी पक जाती है, ग्रेवी रेडी होती है, तब तक इसको सेकेंगे। उसके बाद हम ब्लैक आई बीन्स एंड मशरूम डालेंगे। ये हमारी ग्रेवी आप देख रहे हैं रेडी हो गई है और ऑयल भी हमारा निकल रहा है उसमें से। तो हम ब्लैक आई बीन्स हमने टिन में से निकाल के उसको थोड़ा पानी में वॉश करके कर दिया है और ब्लैक आई बीन्स डालेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे बाद में ग्रेवी के लिए, और ठंडा नहीं डालना है पानी, वार्म वाटर डालेंगे। ये मशरूम भी, और ये सब डालने के बाद अगर आपको सोल्ट थोड़ा सा कम लगता है तो आप थोड़ा सा सोल्ट और डाल दें, क्योंकि हमने ऑनियन में थोड़ा सा डाला था और उसके बाद ये एंड में हम थोड़ा सा सोल्ट डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करके हम थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे, ठंडा नहीं, और अच्छी तरह से उसको ढक के 8 से 10 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे धीमी आंच पे। तो ये हम थोड़ा सा और वार्म वाटर फिर अच्छी तरह से मिक्स करके 8 से 10 मिनट इसको हम धीमी आंच पे हम इसको पकने देंगे। अब ये जैसे आपको हमने बोला कि ये 8 से 10 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से होने दें, और फिर आप देख रहे हैं पानी भी काफ़ी नहीं है और थिकनेस जैसे ग्रेवी जैसा बन गया है। तो आप उसके बाद ये गैस बंद कर दें और करियंडा, फ्रेश करियंडा कट करके ऊपर डाल के गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये हमारी आज की डिश स्पाइसी ब्लैक आई बीन्स एंड मशरूम रेडी हो गया है। तो आप इसको गर्मा गर्म ऐसे बाउल में निकाल के, डिश में निकाल के आप उसको ब्रेड, नान, रोटी, चपाटी या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छी लगती है डिश, तो आप ज़रूर ये बनाइए और ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।